भाई साहब ये गाड़ी है ना हीट बहुत होती है और मुझे वो अभी पता चल रहा है। अरे देख रहे हैं, वैसे वन ऑफ द बेस्ट कार लगती है। 3-4 साल पहले मिलती थी अपने को 15-16 लाख की, अब यही गाड़ी आती है डबल 30 लाख की। दो ना इसको पैसा, दो, क्यों नहीं देते पैसा? तो मिल चुके हैं सारे दोस्त और हम चला रहे हैं KTM 200। अल्टीमेट मशीन, मज़ा आ गया KTM 200 चलाने में। वैसे KTM की सारी बाइक्स ना इंजन क्या पावर डिलीवरी करता है, मतलब एकदम लाइट वेट होने के साथ ब्रेकिंग खजाक करके लगती है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आप बोलेंगे ना ऐसा चलाओ और रुकने में कोई दिक्कत नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं, फुल पावर फील होएगा आपको। तो ओवरऑल काफ़ी सही लगती है गाड़ियाँ KTM की, चाहे कोई भी हो, मतलब मुझे तो मतलब क्यों, क्योंकि लाइट वेट है इसलिए सारी गाड़ियाँ अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, तो मतीन भाई आगे आगे चल रहे हैं, वैसे माफ़ी चाहता हूँ, अंधेरा है। हम आए थे कार्टर्स रोड घूमने और रात में ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है मुंबई की। तो ओवरऑल अपने साथ में जुनेद भाई भी है, तो अपन जुनेद भाई के लिए रुकेंगे थोड़ा सा। इतने बड़े 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 स्पीड ब्रेकर है ना भाई, यहाँ सच में गाड़ी पूरी रोकनी पड़ती है। गाड़ी चल रही है, अपर पे डिप कर लेते हैं। फुल RPM रेड लाइन। वैसे अब तक मैंने जितनी भी KTM चलाई ना, तो जो 2013-14 का जो मॉडल था ना, जो सबसे फर्स्ट आया था KTM, ऐसा दिखने वाला 390 भाई, उसका पावर तो एकदम बोलते ना नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। और ऐसा था ना गाड़ी में इतना पावर, फुल रॉ पावर। अभी जो 390 आती ना, वो भी कुछ नहीं उस गाड़ी के सामने, एकदम भाई साहब नेक्स्ट लेवल था। तो क्या ही कहना, वैसे गाड़ियाँ बहुत याद आती है, कोई भी गाड़ी चला लो यार एक बार, जब बोलते ना मशीनों की आदत लग जाए तो फिर मशीनें ही हर जगह दिखती है, वो वाली बात है। तो अभी हम जा रहे हैं मतीन भाई की Z800 के पास में, वो गई थी सर्विस के लिए। थोड़ा सा ट्रैफिक और यहाँ से निकल रहे हैं हम। वैसे किसी को ये KTM का साउंड पसंद नहीं आएगा, और मुझे ठीक लगता है साउंड, इतना भी थोड़ा सा ऑटो वाला साउंड है, ठीक है, बट अच्छा लगता है। बट लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, इजी टू मैन्यूवर है, सिटी में आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम लाइट फील हो रही है मुझे तो, मतलब मुझे इंटरसेप्टर की आदत हो गई ना, तो एकदम जुप जुप लग रहा है। तो ओवरऑल मज़ा आ गया KTM की गाड़ियाँ चला करके। वो बात अलग है, थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ा सा पार्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, बट मेरे लिए ठीक ठाक है। तो ओवरऑल गुड बाइक अवेल से। तो किसी को एक 200cc की गाड़ी लेना है तो इसे ज़रूर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, माइलेज 35 से लेकर के 40 तक दे देती है, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हैं। और जो फैन है भाई, क्या आवाज़ कर रहा है आज, और काफ़ी दूर से चल के आई ये गाड़ी, इसके लिए आवाज़ कर रहा है। तो ओवरऑल गुड बाइक, मज़ा आ गया। और ये जा रही है होंडा CB हाइनेस, बहुत ही प्यारी लगती है वैसे, अलग ही बनाई है गाड़ी ने। वैसे होंडा ने ट्राई किया है बुलेट को कॉपी करने का, अच्छी गाड़ी है बट कॉपी करने की ट्राई।
कार्टर रोड पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। ठंडी ठंडी हवा, राइट साइड में बीच है, लेफ्ट साइड में है शॉप्स, और यहाँ पे हमने पी थी कॉफ़ी लेफ्ट साइड में। आगे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लूज है, गाड़ी थोड़ी सी जान छोड़ रही है, काम चलाते हैं। ऐसे ब्रेकिंग तो बहुत शार्प है भाई KTM's की, मतलब फील कराती है कितनी शार्प है। हाँ लेकिन पीछे का ब्रेक नाम का है, किसी काम का नहीं है पीछे का ब्रेक। अरे है देख रहे हैं, वैसे वन ऑफ द बेस्ट कार लगती है। 3-4 साल पहले मिलती थी अपने को 15-16 लाख की, अब यही गाड़ी आती है डबल 30 लाख की, Isuzu D-Max 4x4 वी क्रॉस वाला मॉडल अपने को बहुत पसंद है। मतलब क्या ही बाइक है, मतलब क्या ही कार है, देख रहे हैं आप क्या सही लगती है। मतलब पीछे लगेज डाल लो, कुछ भी कर लो, एनीवेयर गाड़ी है, एनीवेयर कुछ भी करो इस गाड़ी के साथ में, वैसी वाली गाड़ी है अपने इंडियन कंडीशन के हिसाब से तो वाह 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 गाड़ी है। थर्ड गियर में 50, 60, 70 वो भी इजीली काफ़ी भाग रही है। चलो भगा के देखते हैं। इसको बोलते हैं पावरफुल गाड़ी, 200cc की पावरफुल गाड़ी, पर ना आजकल तो 180cc ये वो और कोई पावर ही नहीं, देख रहे हो क्या पावर है। ओए होए दिलखुश, सो कैसा लग रहा है आप लोगों को, एकदम स्ट्रीट गाड़ी है ये काफ़ी पावरफुल है, सिटी के लिए परफेक्ट बाइक है। तो हम लोग करेंगे ऐसे ही मस्ती, और बहुत बड़ा सिग्नल है, न्यूट्रल मिल गया बड़ा जल्दी, यकीन नहीं था KTM से। तो ओवरऑल गुड बाइक, मतीन भाई आगे चले गए हैं तो हम भी थोड़ा सा आगे चल के खड़े रहते हैं। आ गया ये, बोलता पैसा दो, पैसा मांग रही है गाड़ी, दो ना इसको पैसा दो, क्यों नहीं देते पैसा। और इस बाइक का सबसे अच्छी बात बताओ, इसमें 6 गियर है, वरना आजकल 200cc की गाड़ियाँ भी 6 गियर नहीं देती है। तो ओवरऑल टाक टाक, ऊपर से गियर पोजीशन इंडिकेटर, अरे है इतने सारे फीचर्स। तो भाई साहब ये गाड़ी है ना, हीट बहुत होती है, और मुझे वो अभी पता चल रहा है कि ये कितनी हीट होती है, लिटरली काफ़ी हीट होती है। मतलब KTM अगर आप चलाते हैं तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कितनी हीट होती है, बट अगर आप कोई दूसरी गाड़ियों की तरफ से आते हैं तब आपको पता चलेगा ये हीट होती है, और अच्छी खासी हीट होती है। तो मतीन भाई बैठे पीछे और कह रहे हैं भाई ये गाड़ी मेरे लिए नहीं है, तो बोल रहे हैं कि मैं लाइट पे बैठा हूँ आधा, और आधा बैठा हूँ सीट पे, इतना छोटा सीट है। हाँ ये बात सच है, पीछे का सीट बहुत नैरो है, पता नहीं बाकी लोग कैसे मैनेज कर लेते, हमसे तो ना हो पाई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आया होगा तो ढेर सारा प्यार नीचे कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, देख रहे थम्सअप दिखा रहे हैं मतीन भाई, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।